हे फ्रेंड्स, कुछ भी बनाना हो ना तो इस लहसुन को छीलने की बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लहसुन को एक बार में छील के स्टोर कर लूँ। और लहसुन को छिलवाने में मेरी मदद करी कपिल शर्मा ने। कैसे, बताती हूँ। पहले ये जान लो कि लहसुन का ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना, सबसे पहले इसे काट दो तो लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाता है। और इसके छीलने में बहुत ज़्यादा मदद करी कपिल शर्मा ने। कैसे, खुद ही देख लो। अरे कुछ क्या टेस्ट होते हैं ना, भीड़ भीड़ होते बड़े। अच्छा, अपने घर में ना अगर हाथ में तेल लगा ना, टीवी का रिमोट नहीं खाएंगे, साइड से खाएंगे। अच्छा, छुट्टी से चैनल चेंज करेंगे और दूसरे के घर में जाएंगे, सब्जी खाएंगे, उनके पटे से पहुंचा देंगे अपन जाएंगे घर। अच्छा, एक चीज़ आप देखना, हंसते हंसते कब इतनी सारी लहसुन छिल गई पता ही नहीं चला। अब बताती हूँ इसको स्टोर कैसे करना है। इनो तो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, तो मैंने ली है इनो की खाली बॉटल और उसमें लहसुन स्टोर करा। आप कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं, पर वो ग्लास की ही होना चाहिए। वो क्या है ना, कांच की बॉटल में लहसुन स्टोर करने से वो ख़राब नहीं होती और लंबे टाइम तक स्टोर ही रहती है। जब भी ज़रूरत हो एक बॉटल खोल लें। और इसे आप कम से कम 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव का यूज़ करे। है ना अच्छा आइडिया। तो ये बताइए आपको कैसा लगा।